शेट्टी ने ट्विटर पर केएल राहुल की तारीफ की। सुनील शेट्टी के इस पोस्ट को देख फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे। उनके ट्वीट के कमेंट सेक्शन में फैंस ने मजेदार रिएक्शन दिए हुए हैं। कुछ मीम शेयर कर रहे तो कुछ राहुल और अतिया के रिश्ते की बात करने में लगे। एक यूजर ने लिखा, तो रिश्ता पक्का समझे। एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने छोटे बेटे जेह को लेकर खबरों में। उनके बेटे का पूरा नाम जहांगीर है। इस नाम को लेकर करीना ट्रोलिंग का सामना कर रही। सब के बीच उन्होंने जेह की एक तस्वीर शेयर की है। करीना ने अपने छोटे बच्चे की झलक फैंस के साथ शेयर की है। फोटो में जेह का चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन जेह की एक्टिविटी नोटिस की जा सकती है। वो अपने पैरों को चला रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को उन दिनों में भजन या कोई भी स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना चाहिए, इससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड दीवा करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भक्ति गीत प्रार्थनाएं सुनी? इसका खुलासा एक्ट्रेस ने अपनी बुक में किया है। करीना कपूर खान ने अपनी बुक में लिखा, मैंने अपनी प्रेगनेंसी फेज में प्रार्थना या मेडिटेशन नहीं सुना था। मैंने उन दिनों काफी सारी जैज सुना था। नैट किंग कोल, लुइस आर्मस्ट्रांग से लेकर अरीथा फ्रैंकलिन, नीना साइमन तक ये म्यूजिक मुझे अलग ही दुनिया में ले जाते। मेरे लिए ये थेरेपी के समान था। राधिका आप्टे अपने किसी फिल्म या सीरीज को लेकर ट्रेंड नहीं कर रहे, बल्कि उनके ट्रेंड होने का कारण बेहद अजीब है। कई सोशल मीडिया यूजर्स इल्जाम लगा रहे कि राधिका आप्टे अपनी फिल्मों से अश्लीलता फैला रहे और भारत की संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यूं तो खेसारी लाल यादव का हर गाना अलग होता है, लेकिन यह गाना अब तक का सबसे अलग और नया है। खेसारी लाल यादव का सावन स्पेशल गाने की डिमांड दर्शकों के बीच खूब है। सावन के महीनों में भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक और गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया। यह गाना है गणपति बप्पा गजबे राउर पप्पा, जो वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। इस गाने को अब तक 21 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं और इनके गाने लोगों को खूब पसंद आते हैं। सुमित गोस्वामी और चेतना पांडे का एक नया हरियाणवी गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है, जिसका टाइटल जिक्र तेरा है। इसे गाने को सुमित गोस्वामी के गाया है और गाने के लिरिक्स भी सुमित गोस्वामी ने लिखे हैं। इस हरियाणवी गाना को यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं। छोटे पर्दे से बॉलीवुड फिल्मों तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक शानदार फोटो शेयर की। इसमें वह गजब की दिखाई दे रही है। मौनी का यह रिवील्डिंग पोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फैंस के साथ टीवी सितारों को भी मौनी का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का राखी सेलिब्रेशन एक सप्ताह पहले ही शुरू हो गया। ये बात हम नहीं, रणबीर की माँ एक्ट्रेस नीतू कपूर ने बताया। जी हाँ, नीतू ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे रणबीर और बेटी रिधिमा कपूर शानी की प्यारी फोटो शेयर की है। इस फोटो में दोनों भाई बहन अपनी कजिन नताशा नंदा के साथ पोज देते दिखाई दे रहे। बता दें कि नताशा रितु नंदा की बेटी है। पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। श्रीदेवी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वह हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रही। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु सिनेमा में फिल्म मां नन्ना निर्दोषी से की। उस वक्त उनकी उम्र महज 4 साल थी। बता दें कि बॉलीवुड में श्रीदेवी की पहली फिल्म 1972 में आई थी, रानी मेरा नाम। मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान कुछ भी करे चर्चे में रहते हैं। उनकी छोटी छोटी सी बात भी नोटिस में आ जाती है। आमिर खान हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे। उनके साथ कियारा आडवाणी भी नजर आई। इस दौरान मास्क की वजह से कियारा आडवाणी मुश्किल में फंस गई, तो आमिर ने उनकी मदद की और मास्क निकालने में कामयाब रहे। फोटो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।